साथियो नमस्कार अपना वेक्टर कैलकुलस चल रहा था जिसमें हमने लाइन इंटीग्रल की बात कर रहे थे अब साथियों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जिस पर बेस्ट क्वेश्चन आने की संभावना रहती है और इस पर बेस्ट क्वेश्चन आने की संभावना तो रहती रहती है इस पर बेस्ट क्वेश्चन है वो गलत होने की संभावना भी अच्छी खासी रहती है यहां से क्वेश्चन भी पुटअप होगा और गलत होने की संभावना भी अच्छी खासी बनती है ये देखिए इंपॉर्टेंट रिजल्ट क्या बोल रहा है इसके बाद में एक लेक्चर और होगा लेक्चर फाइव तक इस वेक्टर कैलकुलस को लगभग हम खत्म करने का प्रयास रहेगा कंप्लीट करने का हमारा प्रयास रहेगा राइट देखिए इफ सी इज ए ए सिंपल क्लोज इनक्लोज रीजन आर क्या है सी कोई सिंपल क्लोज कर है सी रीजन आर को कवर करता है ठीक है देन फोर ए कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड किसके लिए सभी को जय हिंद जय हिंद जय हिंद रश्मि सिंह जय हिंद मनोज सलंकी जय हिंद देन फोर ए कंज़र्वेटिव वेक्टर फील्ड ए वेक्टर कंज़र्वेटिव मींस जिसका करल क्या हो करल क्या हो जीरो हो या एप को ग्रेड फाइव के फोरम में लिखा जा सके वायर फाइज कोई स्केलर फंक्शन विच इज डिफाइंड एट एवरी पॉइंट ऑफ ए आर ये जो फील्ड ऐप है ये जो भी लोगे वो इस आर के हर पॉइंट पे क्या होगा डिफाइन होगा यहां मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताया क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है डिफाइंड एट ईच पॉइंट ऑफ आर एंड साथ में कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है दो चीज है जो वेक्टर फील्ड रह रहे हैं वो क्या है कंजर्वेटिव वन मंथ में कैसे प्रिपेयर करें कल इसकी रणनीति आएगी

अगर इफ एप इज़ नॉट डिफाइंड एट सम पॉइंट ऑफ़ देन दिस नीड नोट बी जीरो हमने अभी क्या बोला था डिफाइंड ऑफ आर अगर एप अपना ऐसा हो जाए कि इस पॉइंट पर डिफाइन ना हो कि हर पॉइंट पर ये डिफाइन नहीं हो देन क्या बोल सकते हैं देन ये जो लाइन इंटीग्रल है इसका जीरो होना कोई जरूरी नहीं है नीड नॉट बी क्या है नीड नोट बी जीरो जीरो होना कोई जरूरी नहीं है अब आप बोलोगे एग्जाम्पल ले लो राइट right? तो माई डियर स्टूडेंट्स मैं आपके लिए एक एग्जाम्पल लेकर आया हूं राइट right? एक एग्जाम्पल लेकर आया हूं आपके लिए क्वेश्चन ये क्वेश्चन आगे लिखा हुआ है साइड लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ अलोंग क्लोज कर्व सी राइट अर्थात एफ डोट डी आर इक्वल टू पूछा है अपने को वेर सी क्या है अलोंग सर्किल सी दिस राइट ऑप्शन एक है जीरो ऑप्शन बी है वन ऑप्शन सी है टू ऑप्शन डी है माइनस टू राइट लाइन इंटीग्रल दिस ये एप ये है और सी अपना क्लोज करवा है वो ये सिंपल क्लोज करवा अपने को इसकी वैल्यू पूछी है मोस्ट ऑफ स्टूडेंट क्या लगाएंगे आर द एफ है एफ क्या है अपना ए वेक्टर इक्वल टू माइनस वाई आई एफ, या इसे भी लिख सकता हूं माइनस थी? वाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई के प्लस एक्स एक्स अपॉन स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे के राइट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जे के, ठीक है एफ अपना ये है एफ अपना ये है सी अपना ये है अब देखो यहां क्या देखोगे सिंस इसको एम ऐसे लिख सकते हैं एम आई के या एफ वन आई के प्लस एफ टू जे एफ राइट डेल एफ वन अपॉन डेल वाई डेल एफ टू अपॉन डेल एक्स इसका एक्स वाई के रेस्पेक्ट में क्या होगा माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिस इज नथिंग बट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस टू वाई स्क्वायर प्लस प्लस ये माइनस यहीं है ही प्लस है, फिर से माइनस आ जाएगा माइनस माइनस प्लस आ जाएगा राइट right. और माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर राइट और ये बन जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस टू वाई स्क्वायर ये बन जाएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड सेम चीज़ ये एक्स के रेस्पेक्ट में तो ये x, ये रहा अपना राइट एक्स ये रहा तो ये क्या बनेगा देखो ये बनेगा दिस स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस टू एक्स स्क्वायर सेम चीज बनेगी सेम चीज इसका मतलब ये एक्जैक्ट डिफ्रेंशियल इक्वेशन है अर्थात ए वेक्टर डॉट डी आर वैक्टर क्या हो जाएगा माइनस वाई अपोन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई ये क्या है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है अगर ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है राइट दिस इंप्लाइज ए वेक्टर क्या है कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है अगर एफ वेक्टर कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है देन एफ वेक्टर क्या है ए वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर यह क्या है माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई दिस इज नथिंग बट डी बाई डी बाई टेन इनवर्स वाई बाई एक्स डी बाई ये क्या है, है देखो ये है अपना माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई एपोन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर राइट तो टेन इनवर्स वाई बाई एक्स आ गया टेन इनवर्स वाई बाई एक्स आ गया ठीक है अर्थात अर्थात एप क्या है ग्रेड ऑफ दिस है अगर ये टेन इनवर्स दिस आ गया राइट right? देन ऐप अपना कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड भी है राइट right? ऐप अपना कंजरवेटिव वैक्टरफील्ड है आप ये बोलोगे एप कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है राइट right? देन इसकी वैल्यू जीरो आना चाहिए देन आप क्या बोलोगे कि इसकी वैल्यू जीरो है कंजर्वेटिव है तो सी एफ डॉट डी आर इक्वल टू जीरो आना चाहिए लेकिन जीरो नहीं आएगा जीरो क्यों नहीं आएगा क्योंकि अपना एफ क्या है एफ है जो जीरो जीरो पे डिफाइन नहीं है क्या है ये सर्किल है अपना ये सर्किल है रेडियस का राइट और सेंटर क्या है जीरो जीरो एफ है एफ क्या है ये ये इस पॉइंट जीरो जीरो पे डिफाइन नहीं है जबकि अपना थ्योरम क्या बोलता था इसका लाइन इंटीग्रल जीरो तो कब आएगा जब एवरी पॉइंट पे डिफाइन है इसका मतलब इसकी वैल्यू जीरो नहीं आएगी इसकी वैल्यू हमको अलग से निकालनी पड़ेगी राइट तो निकालिए लाइन की वैल्यू निकालिए इसकी सी माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर राइट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स इक्वल टू ए कोश टी को सीटा वाई इक्वल टू ए साइन थीटा वाई इक्वल टू ए साइन थीटा ठीक है कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक राइट एक्स इक्वल टू ए थीटा वाई इक्वल टू बे साइन थीटा राइट देन देन दिस लाइन इंटीग्रल एफ डॉट डी आर इक्वल टू वाई क्या है माइनस ए साइन थीटा डीएक्स क्या हो जाएगा ए साइन थीटा डीएक्स क्या हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा थीटा डी और एक्स क्या हो जाएगा ए कोस थीटा डी वाई क्या हो जाएगा ए कोस थीटा डी थीटा अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ए स्क्वायर थीटा फ्रॉम जीरो टू टू पाई थीटा जीरो टू टू पाई होगा अरे भाई सर्किल है तो जीरो टू टू पाई क्या आ जाएगा देखो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन ए स्क्वायर जीरो टू टू पाई दिस इक्वल टू ए स्क्वायर ए स्क्वायर गया जीरो टू टू पाई डी थीटा दिस इज नथिंग बट टू पाई इसका आंसर क्या आएगा इसका आंसर आएगा माय डियर स्टूडेंट्स टू पाई राइट तो एक ऑप्शन और एड कर लो टू पाई माइनस टू पाई कंप्यूटर को बोल दो इसका आंसर क्या आएगा टू पाई तो माई डियर स्टूडेंट्स ये रिजल्ट कब काम करेगा ये रिजल्ट तब काम करेगा जब इसके ए, एवरी पॉइंट पर क्या हो ऐप डिफाइन हो अगर आर के एवरी पॉइंट पर एप डिफाइन नहीं हो आर क्या यहां देखो यहां अंदर वाला पार्ट क्या है ये आर है ये क्या रीजन आर है यह आपका रीजन आर ये है रीजन आर ये है सी अगर इसके प्रत्येक पॉइंट पर डिफाइन नहीं है राइट दिस मीन्स हम इसको जीरो नहीं बोल सकते इसको सिस्टमेटिक तरीके से निकालना पड़ेगा आएगा क्या जीरो लेकिन अगर क्या जाए इफ अगर सी क्या ले लें जीरो तो ये रहा अगर सी ये ले लें जेड माइनस सी क्या लेनस फाइव का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर ले लें ये फाइव जीरो है राइट right, टू है तो ये थ्री जीरो है ये सेवन जीरो है राइट right, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इफ सी क्या हो एक्स माइनस फाइव का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू फोर अर्थात क्लोज करवा नॉट इंक्लूजिंग नोट इंक्लूजिंग जीरोन एफ डॉट डी आर वेक्टर दिस इक्वल टू जीरो क्या होगा यह जीरो होगा राइट right? अब देखो अगर यहां क्या आ गया अगर सी क्या है सिंपल क्लोज कर्व है एक्स वाई प्लेन नोट इंक्लूडिंग ओरिजिन ऐसा कर्व है जिसमें ओरिजन इंक्लूड नहीं है अगर ओरिजिन इंक्लूड नहीं है देन क्या होगा? इसकी वैल्यू तो जीरो को को बोल दीजिए, दीजिए। ऑप्शन कर दीजीए. अगर अगर इंक्लूड इंक्लूड हो गया, गया तो साथियों स्टूडेंट्स इसको आप नोट कीजिए उसके बाद में आती है मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम द ग्रीन थ्योरम ग्रीन थ्योरम क्या बोलती है मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक क्वेश्चन जरूर आता है इसका स्टेटमेंट आपको याद होना चाहिए स्टेटमेंट ऑप्शन में देखकर के पूछ सकता है सिंपल क्लोज पीस वाइज स्मूथ है इन एक्स वाई प्लेन है क्लोज है, है. है एक चीज ध्यान क्या रखना है सी क्या है सिंपल क्लोज कर है विद इनक्लोज ए रीजन आर इन एक्स वाई प्लेन जो भी करो है उसमें रीजन क्या है आर है एफ है दिस एफ वन वैक्टर प्लस एफ टू तो जे के एफ बी इज फिफ्रेंशियबल एट एवरी पॉइंट ऑफ आर जो एफ अपना जो वैक्टर वैल्यूड फंक्शन है वो क्या है आर के प्रत्येक पॉइंट पे डिफ्रेंशियबल है देन लाइन इंटीग्रल दिस इक्वल टू तो दिस लाइन इंटीग्रल क्या है एफ वन डीएक्स प्लस एफ टू डी वाई इक्वल टू तो आर डेल एफ टू बाई डेल एक्स माइनस डेल एफ डेल वाई दिस इक्वल टू दिस मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट लाइन इंटीग्रल था इसको हमने सरफेस इंटीग्रल या डबल इंटीग्रेशन में चेंज कर लिया राइट right? अब देखो एग्जांपल 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 से चीज ज्यादा समझ में आती है राइट right? 嗯。Mm. पर जी वापस करूं ठीक देखो अपने को एप डॉट डी आर इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है सी वेर सी क्या है सी क्या है रेक्टेंगल हेविंग जीरो 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 टू टू जीरो टू टू एज वर्टिस एज एंड ए वेक्टर इक्वल टू ये क्या है एक्स वाई आई के एफ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेके एफ ऑप्शन है आपके पास चार माइनस चार आठ बटा तीन माइनस आठ बटा तीन अब देखो अपने पास सी क्या है सी ये है सिंपल क्लोज करवाए जिसके पॉइंट क्या है जीरो 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 टू जीरो टू टू टू, टू, टू एंड टू जीरो चार इसके वल्टी सेज है ये क्या है ये अपना सी है क्या है सी ठीक है ऐप अप अपना ये है अपने क्या पूछा है इस लाइन इंटीग्रेशन की वैल्यू किसकी एफ डॉट डी आर दिस मीन्स एफ डॉट डी आर मीन्स एक्स वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई एफ डॉट डी आर इसकी वैल्यू यही होगी सी क्या है सी ए सिंपल क्लोज कर्व है अब देखो ग्रीन थ्योरम क्या बोलती है एफ वन डी एक्स प्लस एफ टू डी वाई और अगर सी क्या हो सी सिंपल क्लोज कर्व हो सिंपल क्लोज स्मूथ कर्व हो देन देन क्या हो जाएगा रीजन आर इसका एक्स के रेस्पेक्ट में इसका वाई के रेस्पेक्ट में इसका एक्स के रेस्पेक्ट में टू एक्स माइनस इसका वाई के रेस्पेक्ट में एक्स राइट डी एक्स डी वाई यही तो आएगा दिस मीन्स एक्स डी एक्स डी वाई एक्स डी एक्स डी वाई और सी क्या है आर अंदर का रीजन है जीरो टू जीरो जीरो टू टू जीरो टू राइट दिस इक्वल टू तो पूछा है अपने को ये क्या हो जाएगा एक्स फ्रॉम जीरो टू टू वाई फ्रॉम जीरो टू टू एक्स फ्रॉम जीरो टू टू वाई फ्रॉम जीरो टू टू एक्स डी एक्स डी वाई राइट ये क्या हो जाएगा एक्स एक्वायर वाई टू जीरो से टू जीरो से टू डी वाई दिस इक्वल टू टू चार बटा दो दिस इक्वल टू चार तो आंसर विल बी फोर आंसर विल बी फोर कंप्यूटर जी को बोल दो ऑप्शन ए को लो कर दो क्वेश्चन डरावना है डरावना क्यों है देखो <laughs> कि सी इस टाइप का कोई करवा ले लिया सी क्या है सी इस टाइप का कोई करवा ले लिया ये सी है अपना ये रीजन आर है ये सी है इस करवा लो इस फंक्शन का क्या है लाइन इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना अगर ग्रीन थ्योरम ना हो तो भैया लटकते रह जाओगे ग्रीन थ्योरम का कंडीशन क्या है ग्रीन थ्योरम का कंडीशन है कि ये सिंपल क्लोज स्मूथ कर्व होना चाहिए पीस वाइज स्मूथ पीस वाइज स्मूथ मीन्स पीस वाइज डिफ्रेंशियबल देखो ये यहाँ डिफ्रेंशियबल नहीं है यहां भी डिफ्रेंशियबल नहीं है यहां भी नहीं है लेकिन यहां भी नहीं है लेकिन पीस वाइज स्मूथ है यहां से यहां तक डिफ्रेंशियबल है यहां से यहाँ तक डिफ्रेंशियबल है यहां से यहां तक डिफरेंशियबल है और यहाँ से यहां तक डिफ्रेंशियबल है मतलब पीस वाइज स्मूथ कर्व है, स्मूथ मींस डिफ्रेंशियबल बोल सकते हो आप इसको ठीक है इसमें हम ग्रीन थर्म लगा दिया और क्वेश्चन आसानी से तुरंत ही हो गया बिना किसी देरी के अब देखो हम्म ये भी एक क्वेश्चन और था अच्छा सा क्वेश्चन था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मैंने लिख कर लाया था ये रहा इस इन इसकी वैल्यू क्या होगी इसकी वैल्यू क्या होगी किसकी इसकी सी क्या है रेक्टेंगल है वही सेम सिस्टम है सी को रेक्टेंगल है जीरो जीरो पाई जीरो पाई पाई बाई टू जीरो पाई बाई टू ये चार है सी कोई रेक्टेंगल है और इसकी वैल्यू पूछी है ऑप्शन ए ऑप्शन बी ऑप्शन सी ऑप्शन डी किसकी वैल्यू पूछी है वैल्यू पूछी है सी ई की पावर माइनस एक्स साइन वाई डी एक्स प्लस इ की पावर माइनस एक्स कोस वाई डी वाई राइट ये क्या है देखो डियर स्टूडेंट्स सी ये एक्चुअल में है आपका सी सिंपल क्लोज कर है राइट एफ वन डीएक्स एफ वन डीएक्स प्लस एफ टू डी वाई ग्रीन थोरम से क्या आ जाएगा ग्रीन थोरम से आ जाएगा इसका एक्स के रेस्पेक्ट में तो माइनस ईकी पावर माइनस एक्स कोस वाई इसका वाई के रेस्पेक्ट में माइनस ईकी पावर माइनस एक्स कोस वाई राइट डीएक्स डी वाई रीजन आर आर क्या है आर ये रहा ये क्या आ जाएगा एक्स फ्रॉम जीरो टू पाई वाई फ्रॉम जीरो टू पाई बाई टू ये आ जाएगा माइनस टू इकी पावर माइनस एक्स कोस वाई डी एक्स डी वाई दिस इक्वल टू माइनस टू जीरो से पाई बाई टू वाई फ्रॉम एक्स प्रोम जीरो टू पाई इकी पावर माइनस एक्स डी एक्स जो कुछ भी आएगा कोस वाई डी वाई यह क्या आ जाएगा ये आ जाएगा आपका माइनस टू इी पावर माइनस पाई माइनस वन राइट पाई बाई टू तो ये आ जाएगा पाई ये आ जाएगा पाई राइट right? माइनस माइनस ठीक है इी पावर माइनस वाई माइनस वन ये आ जाएगा पाई इंटू दिस ये इसका आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा पाई इी पावर पाई माइनस वन पाई वन माइनस इकी पावर पाई पाई बाई टू इी पावर पाई माइनस वन पाई बाई टू वन माइनस ई की पावर पाई माइनस पाई है ना तो एक बार माइनस पाई कर दो ठीक है कंप्यूटर बोल दो ऑप्शन ए विल बी ट्रू राइट ग्रीन थ्योरम लगाना है लेकिन ग्रीन थ्योरम कब लगाओगे ग्रीन थ्योरम तभी लगाओगे जब आपके पास ये गिवन हो कि सी क्या है सिंपल क्लोज करवा है और इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर या इस टाइप से गिवन हो अब देखो अब एरिया फाइंड आउट करना अगर सी कोई क्लोज करवा है उसके अंदर रीजन आर गिवन है तो उसका एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे

टुकड़े वाइज स्मीथ स्मूथ कि इसको टुकड़े कर ले तो इसके जो पार्ट्स हैं वो स्मूथ है मतलब जो पार्ट्स है वो डिफ्रेंशिएबल है बरोबर है देन कांतरे पर कोई बात नहीं यहीं थे देन मान लिए सी कोई भी है वो पीस वाइज पीस वाइज स्मूथ है क्या है पीस वाइज स्मूथ है और इसके अंदर का एरिया है देन जो अंदर का एरिया है वो कैसे ज्ञात करेंगे वो ऐसे ज्ञात करेंगे वन बाई टू दिस वन बाई टू इन टू दिस ये क्या हो जाएगा ये रीजन आर बाउंड रीजन आर हो जाएगा बाउंडेड बाय सी प्रूफ क्या है अब देखो सी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स सी क्या है सी है सिंपल क्लोज पीस वाइज स्मूथ कर्व है आर क्या है रीजन रीजन बाउंडेड बाय सी रीजन बाउंडेड बाय कर्व सी देन ए ग्रीन थ्योरम से क्या हो जाएगा ग्रीन थ्योरम से दिस इक्वल टू इसका ये क्या है दिस इक्वल टू c माइनस वाई डी एक्स वन बाई टू वन बाई टू माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई क्या हो जाएगा वन बाई टू इसका x के रेस्पेक्ट में इसका y के रेस्पेक्ट में राइट डबल इंटीग्रेशन डी एक्स डी वाई ये टू हो जाएगा क्या बचेगा आर डी एक्स डी वाई जो क्या है रीजन बाउंडेड बाई सी तो रीजन बाउंडेड बाई सी इज नथिंग बट एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स क्या है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स फाइंड एरिया ऑफ इलिप्स इस इलिप्स का एरिया ज्ञात करना है किसकी हेल्प से इसकी हेल्प से राइट right? तो सोल्यूशन क्या होगा सोल्यूशन क्या होगा अपना गिवन है ही right? राइट hmm. तो वे अपने पास गिवन है ही राइट hmm. करवा अपने पास ये गिवन है राइट ठीक है देन क्या करना पड़ेगा अपने को देन आर डी एक्स डी वाई इक्वल टू वन बाई टू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स ठीक है x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं a cos थीटा y इक्वल टू बी साइन थीटा देन अगर इसका एरिया A है देन A इक्वल टू क्या आ जाएगा वन बाई टू एक्स क्या है a cos थीटा a cos थीटा डी वाई क्या है बी साइन थीटा डी थीटा माइनस बी साइन थीटा डी एक्स क्या है प्लस ए तो ये क्या हो जाएगा ए बी ए बी वाई है बी साइन थीटा और ए साइन थीटा तो ए बी साइन स्क्वायर थीटा एक्स क्या था ए कोस थीटा डी वाई क्या था बी कोस थीटा राइट तो ये क्या हो गया ए बी को कॉमन आ गया ये क्या हो गया ये हो गया ए इक्वल टू वन बाई टू टू ए बी कॉमन आ गया कहाँ है थीटा कहाँ से कहाँ होगा देखो जीरो टू टू पाई थीटा प्रोम जीरो टू टू पाई राइट तो क्या हो जाएगा टू पाई ए बी टू

आज का वीडियो लेक्चर इतना ही होगा छोटा सा इसके बाद में जो तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम सरफेस इंटीग्रेशन एंड वॉल्यूम इंटीग्रेशन देखेंगे और सरफेस और वॉल्यूम में आपकी ग्रीन थ्योरम सॉरी स्टोक थ्योरम एंड गोश् डाइवर्जेंस थ्योरम का डिस्कशन करेंगे प्रगति जो आपका क्वेश्चन है वो जल्दी रिजोल्व करा दिया जाएगा जल्दी उसका पार्ट भी रिंग थ्योरी का भी कंप्लीट हो जाएगा ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद